देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने सोमवार को सचिवालय में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पर्यटकों की सुविधा के लिए एक गाइडेंस ऐप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐप को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योगों को आसानी से भूमि उपलब्ध हो, इसके लिए लैंड बैंक तैयार किया जाना चाहिए। पर्यटन विभाग को लैंड बैंक तैयार करने के लिए एक सेपरेट सेल बनाए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस सेल का कार्य प्रदेश भर में लैंड बैंक चिन्हित करना हो। इससे पर्यटन से जुड़े उद्योगों को स्थापित करने में भी काफी आसानी होगी। मुख्य सचिव ने एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग आदि पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों को करने के लिए टाइमलाइन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बंजी जंपिंग एवं पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश किए जाने के लिए स्टडी कराई जाए, ताकि इनके लिए नई जगहों को चिन्हित किया जा सके। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली की तैयारियों का जायजा लेने परेड ग्राउंड पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को समय से सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, आईजी इंटेलिजेंस संजय गुजियाल, जिलाधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार, SSP जन्मेजय खंडूरी एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से हाथियों का आतंक जारी है। लगातार ग्रामीण इलाकों में खेती की फसलों को नष्ट कर हाथी जमकर तांडव मचा रहे हैं। रामनगर वन प्रभाग और तराई केंद्रीय वन प्रभाग के जंगलों से सटे हुए ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हाथी का आतंक बरकरार है। पिछले एक सप्ताह से लामाचौड़ खास फतेहपुर के कई इलाकों में हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में फसलों को नष्ट करने के साथ ही लोगों के घरों पर भी तोड़फोड़ करने से लोगों में दहशत व्याप्त है। स्थानीय जनप्रतिनिधि नीरज तिवारी ने वन विभाग को मामले की शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों को वन विभाग से सोलर फेंसिंग तार लगाने और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। तस्वीरें ये बताने को काफी हैं कि हाथियों का झुंड किस कदर ग्रामीण इलाकों में फसलों को नष्ट करने के लिए हावी हो रहा है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना ने फिर टेंशन बढ़ा दी है। हल्द्वानी में आज कोविड के 6 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोविड से एक मरीज की मौत हो गई है। कोरोना का संक्रमण बढ़ते देख प्रशासन अलर्ट हो गया है और उच्चाधिकारियों ने सैंपलिंग में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने MBPG ग्राउंड में लगी नुमाइश में सैंपलिंग करवाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भीड़भाड़ वाली जगहों, शॉपिंग मॉल में भी कोविड सैंपलिंग करवाई जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता से सतर्कता बरतने की अपील की है। कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना बढ़े, इसको देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। मौत हुई है, आज आप लोग भी यहाँ भीड़भाड़ वाले इलाकों में सैंपलिंग करा रहे हैं, किस तरह के निर्देश हैं आगे की स्थिति को लेकर? देखिए, जैसा कि सभी के संज्ञान में है, इधर इस बीच जो सैंपल हुए हैं हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि हल्द्वानी में 6 व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं आज की तारीख में, और इसको लेकर जो जगह जगह जहां भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि सभी जगह पर सैंपलिंग कराई जाए, जिसके क्रम में हम लोग जो यहाँ नुमाइश लगी हुई है, इसमें सभी दुकानदार जो कि बाहर से आए हुए भी हैं, इनमें से कुछ, उन सभी की सैंपलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जितने भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं उनमें भी सैंपलिंग की जाएगी। इसके साथ ही लोगों से अपील भी है कि वो मास्क का प्रयोग करें, साथ ही वैक्सीन की सेकेंड डोज के कारण भी, जिसके कारण हम लोगों ने एक लकी ड्रा का भी एक रखा है, प्रयास किया है कि जिससे लोग जागरूक हों और अपना वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाएं और कोविड की थर्ड लहर से हम लोग बच पाएं। इस तरह से रोका जा रहा है, देखिए लगातार देख रहे हैं, जो भी हमारी कोविड की गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी हो रही है, जिसके क्रम में सभी लोगों को लगातार जागरूक किया जाता है, उनसे अपील की जाती है कि वो मास्क प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, उसको देखते हुए फिर से उन लोगों को पूरी तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जितने भी भीड़ वाले क्षेत्र हैं उनमें हम अपनी सैंपलिंग कराएंगे, जिससे कि हम संक्रमण की दर पर नज़र रख सकेंगे।